हेलो हेलो जी सलाइकुम हजरत जी सबसे पहले तो आपकी प्रोग्राम की तारीफ करनी थी बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है और बहुत फायदा होता है आपके वजीफों से एक ये पूछना था कि आप कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे तमाम मसायल हल हो जाएं घर में बरकत और आमदनी में इजाफा और मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाए और आपका एक प्रोग्राम रूह की बातें किस वक्त आता है ये नहीं समझ आ रहा बहुत ढूंढने की कोशिश की है और एक चीज सवाल ये पूछना था की जकात क्या देनी पड़ती है हर वजीफे को शुरू करने से पहले या वैसे ही पढ़ सकते हैं ठीक वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया, शुक्रिया। माशा सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया अल्लाह तबारक कबूल फरमाए और बाकी जो आपने सवाल किया कि सारे मसले हल हो जाएं तो बस वो तो सारे मसले तो अल्लाह के ताल्लुक से होते हैं अल्लाह तबारक व साथ सच्चा ताल्लुक क़ायम करें और उसके लिए जिक्र अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें क्योंकि जितना ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करेंगे ताल्लुक़ बढ़ेगा और उसमें अल्लाह का जिक्र जो है वो किया करें रोज़ाना अल्लाह का जिक्र अल्लाह अल्लाह यह जिक्र करें अला की ग्यारद रुशी पढ़ लिया करें और ये एक सौ एक दफ़ा अल्लाह का जिक्र करके आप अल्लाह से दुआ कर लिया करें अपने तमाम मसाइल के लिए तो इन शाला अल्लाह तबारक वाली आपके सारे मसायल हल कर देंगे दूसरा ये है कि आप जो है वो ज़क़़त के हवाले से वो असल में वो अमाल वज़ायफ़ होते हैं कि जो आमलिन अमल करना होता है वो अमल करने के लिए वो ज़क़ात देनी पड़ती है वो पैसे वाली ज़क़त मुराद नहीं है बल्कि अमल की ज़क़त होती है कि इतने लाख दफ़ा आप ये पढ़ लें इतने लाख दफ़ा ये पढ़ लें और फला वक्त में पढ़ें इन शराब के साथ पढ़ें वो जो है वो परहेज़ जो होता है जलाली और जमाली चीज़ों का परहेज़ करके पढ़ें वो सब तो वो तो आमली के लिए होता है लेकिन आम जो वज़ाइफ आप पढ़ते हैं उसके लिए कुछ ज़कात की ज़रूरत नहीं होती वो जब आमिल आपको कहता है कि ये पढ़ लें तो उसकी से जब तो इजाज़त होती है तो फिर आपको ज़कात निकालने की जरूरत नहीं होती आप उसको पढ़ सकते हैं जैसे मैं इजाज़त देता हूँ बस वो मेरे ज़िम्मे है कि मैं उस अमल की ज़कात निकाल के फिर उसको तैयार करके आपके लिए रखूँ इतने लाख ये पढ़ लिया इतने लाख लेकिन आपको अब ज़रूरत नहीं होती आपको इजाज़त मिल गई आप वो वजीफ़ा कर सकती हैं और अल्लाह उसकी बरकत आपको अता करे और इन्होंने रूह की बातों के लिए पूछा वहाँ बाकी रूह की बातें जो है वह असल में आ, एवरी अदर फ्राइडे आता है यानी सेकंड फ्राइडे ऑफ द मंथ और फोर्थ फ्राइडे ऑफ द मंथ ये जो हमने सेटअप रखा है और फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ और थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ ये आलमी इशू पर इस्लामी नुत नजर का है और दो फ्राइडे जो है यह रू की बातों का है यानि सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे ये जो रूह की बातों हो का होता है न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से नौ बजे रात वो प्रोग्राम आता है तो आप जो है उसको जरूर सुन सकती है मतलब अब आने वाला जो है फ्राइडे ये इन रू रूह की बातें होगा क्योंकि ये सेकेंड फ्राइडे ऑफ द मंथ है बहुत बहुत शुक्रिया